नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। तीसरे बेबी स्वेटर के तीसरे पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो हमने यहाँ पे तीन फंदे घटाए थे, चौथे में, छठे में और आठवें में। तो तीन फंदा घटाने के बाद हम 19 लाइन तक प्लेन बुनेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा फंदा, तीसरा फंदा घटा है, उसके बाद दो लाइन, चार, छः, छः और छः 12, 12 और चार 16 और तीन ये 19। तो 19 लाइन हमें फंदे घटाने के बाद 19 लाइन हमें प्लेन बुनने हैं। तो ये मेरा 19वां लाइन कंप्लीट हो गया। 20वें लाइन में पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और अगले फंदे में हमें दो बार बुनना है। एक बार उल्टा बुना और फिर इसी में ऐसे घुमा के एक बार और, यानी दूसरे फंदे से हमने दो फंदा बना दिया। ये एक फंदा बढ़ गया और शेष फंदे उल्टा बना लेंगे। इक्कीसवीं लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। इक्कीसवां लाइन कंप्लीट हो गया और अब ये 22वां लाइन है। तो इस लाइन में भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे में हम दो बार बुनेंगे। एक बार उल्टा बुना और फिर इसी फंदे को ऐसे पीछे से घुमा के देखिए, पहला फंदा उल्टा बुना, दूसरे फंदे को एक बार ऐसे उल्टा बुनेंगे और फिर इसी फंदे को ऐसे पीछे से घुमा के और एक बार और उल्टा। यहाँ पे हमारा देखिए तीन फंदा बन गया, दूसरे फंदे में हमने दो फंदा बना लिया, तो एक फंदा ये बढ़ गया और शेष फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। शेष फंदे उल्टे बन गए। अब हमारे सिलाई पे दो फंदे बढ़ गए हैं और टोटल स्टिचेस हो गए हैं 65। सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। 23वीं लाइन में दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और सभी फंदा सीधा बुन लेंगे। 23वीं लाइन कंप्लीट हो गई है और अब ये 24वीं लाइन है और यहाँ पे हम अपना तीसरा फंदा भी बढ़ा लेंगे। हमने तीन फंदा घटाया था और अब तीसरा फंदा बढ़ा के हमारा फंदा वापस 66 हो जाएगा। तो तीसरा फंदा बढ़ने के साथ ही हमारा टोटल फंदा वापस 66 हो गया और अब सभी फंदे उल्टे और दो लाइन और हमें बुनना है, आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। तो हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम चार लाइन सफ़ेद का कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 66 फंदे कंप्लीट होने के बाद हमने दो लाइन और बुन दिया है और इसके साथ ही हमारा गले का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ ही हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब इस पोर्शन को हम यूं ही छोड़ देंगे और अब दूसरी तरफ आएंगे और सेम ऐसा ही जैसे हम इस साइड भी बना लेंगे। दो लाइन बुनने के बाद तीन सीधी लाइन में हम तीन फंदे घटाएंगे, फिर जैसे हमने इस साइड में बनाया था सेम इसी साइड में भी हम ऐसा ही बनाएंगे।
दो लाइन बुनने के बाद तीसरे में, पांचवे में और सातवें में हमने घटाया। फिर 19-20 लाइन प्लेन बुनने के बाद हर इस साइड भी 3 फंदा बढ़ा लेंगे और इसके साथ ही हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये सेम ऐसे बन जाएगा तो इस वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे और वापस पहले पोर्शन पे आएंगे। और अब की बार हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, यानी दोनों पोर्शन को एक ही सिलाई में कर लेंगे। सारे फंदे हम इकट्ठा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के सारे फंदे सीधे बुने जा चुके हैं और अब हम इसी सिलाई पे सेकेंड पार्ट के भी सारे फंदे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पल्ले एक ही सिलाई पे आ गए हैं और अब हमको एक सिलाई ये कंप्लीट हो गया है और हमें टोटल 14 लाइन ऐसे बुनना है अपने पैटर्न को कायम रखते हुए। तो 14 लाइन मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस समय सिलाई पे 132 स्टिचेस हैं, 66 फ्रंट पार्ट के, 66 बैक पार्ट के। अब और हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। टोटल 132 स्टिचेस हमें 14 लाइन तक बुनने हैं अपने पैटर्न को कायम रखते हुए। देखिए फ्रेंड्स, 132 फंदे बुनते हुए 14 लाइन कंप्लीट हो गए हैं, 6, 4, 10 और 4, 14 लाइन। और ये 15वां लाइन है। तो हमने जैसे इधर 34 फंदे बढ़ाए थे वैसे ही अब हमें 34 फंदे घटाने होंगे। तो घटाने का प्रोसेस वही है, फंदों को एक साथ लेके बुन देंगे, फिर ये फंदा वापस पाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, दो का एक कर लेंगे, दो फंदा हो गया, 3, 4 ऐसे ही करते हुए। और हम इस दूसरे धागे को या तो काट लेंगे या फिर इसमें लपेटते हुए ऊपर लेते जाएंगे। तैंतीस और 34, तो इस साइड में 34 फंदे घट गए। अब शेष फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे सीधा बुनते हुए दूसरी तरफ आ गए हैं। अब हमें इस साइड से भी 34 फंदे घटाने होंगे। प्रोसेस वही है, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, फिर दाहिनी सिलाई वाला फंदा बाएं सिलाई पर चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 हम टाइट नहीं उतारेंगे, ढीलाई उतारेंगे, 26, 27, 28,
28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये 34। और अब शेष फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब सिलाई पे 64 फंदे रह गए हैं, जितने हमारे इधर आस्तीन में थे। अब हम 4 लाइन सफ़ेद ऊन से बुनेंगे सारे फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड, सफ़ेद रंग के ऊन से 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब ग्रीन रंग के ऊन से हमें 6 लाइन बुनना है, तो यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे एक फंदा घट गया और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी एक फंदा घटाएंगे। जैसे जैसे हमने आस्तीन में फंदा बढ़ाए थे, वैसे ही हमें अब फंदे घटाने होंगे। अब 3 फंदे रह गए हैं, तो पहले दूसरे को हम एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे और लास्ट फंदा सीधा। तो इस साइड भी एक फंदा घट गया है और इस साइड भी एक फंदा घट गया, तो 64 में से 2 फंदे निकल गए। तो इस समय सिलाई पे 62 फंदे रह गए हैं और अब फिर हमें 5वीं लाइन में 2 फंदे घटाने होंगे। तो अब सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। पांचवी लाइन में फिर दोनों तरफ से एक एक फंदे घटाए देंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा फंदा भी घट गया। फिर हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। और अब दूसरी तरफ भी हम एक फंदा घटा लेंगे। 2 फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, एक फंदा घट गया। अब सिलाई में 60 फंदे रह गए हैं, 60 स्टिचेस, और सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। और अब हम सफ़ेद रंग के ऊन से 3 लाइन बुनेंगे। सारे फंदे सामने से सीधे और रॉन्ग साइड से उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, 34 फंदा घटने के बाद से ये 13 लाइन कंप्लीट हो गया है। 4, 6, 10 और ये 3, 13 लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब ये 14वां लाइन है, तो अब इसमें हमें 15 फंदे घटाने हैं। तो क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ एक फंदा घट गया, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। यहाँ पे दूसरा फंदा घट गया, फिर 2 फंदों को बुनेंगे, फिर 2 फंदों को लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। तीसरा फंदा घट गया, फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। यानी हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे। यानी हर तीसरा चौथा फंदा एक साथ लेंगे और तीसरे चौथे फंदे को एक साथ लेके एक कर देंगे। फिर 2 फंदा बुनेंगे,
फिर अगला दूसरा तीसरा और चौथा फंदा एक साथ लेंगे, उनको दो का एक कर लेंगे, फिर दो फंदा बुनेंगे, फिर तीसरा चौथा फंदा लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे। इसी तरह दो फंदा बुनते हुए और दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए 15 फंदे घटा लेंगे। और अब 15 फंदे घटने के बाद शुरुआत में भी हमने एक फंदा बुना है था और तब दूसरे तीसरे फंदे को घटाया था और लास्ट में भी एक फंदा बचा। देखिए हमने इन दो फंदों को एक साथ लेके दो का एक कर लिया और लास्ट में एक फंदा बचा जिसे हम उल्टा बुनेंगे। और इसके साथ ही हमारे सिलाई पे 45 फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 44 और 1 लास्ट 45 तो 45 स्टिचेस हो गए। और अब हमें 10 नंबर की सिलाई से अब सफ़ेद रंग का कोई काम नहीं है, इसे हम काट लेंगे और अब हम गांठ लगा देंगे। अब हम 10 नंबर की सिलाई से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए यानी सिंगल रिब में बॉर्डर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर का 9th रो कंप्लीट हो गया है और अब ये 10th रो है और इसमें हमें इसे क्लोज करना है। तो क्लोज करने का नियम वही है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, नेक्स्ट सीधा है सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो बॉर्डर हमेशा इसी तरह उतारा जाता है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। देखिए हमारा ये क्लोज होना शुरू हो गया है। इसी तरह करते हुए सारे फंदे उतार लेंगे। देखिए बन के तैयार हो गया है स्वेटर, अब इसकी हमें बस फिनिशिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अब अगले पार्ट में फिर हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।